तुमने सोचा है कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करते और तुम बिना बदला लिए मर जाओ, अगले जन्म में तुम्हें सब कुछ याद है और तुम बदला ले सकते हो। एनिमे में दो भाई बहन का जन्म फिर से होता है और वो मिलकर अपनी माँ के मर्डर का बदला लेना चाहते हैं। शिनो आए एक 16 साल की लड़की जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और एक सिंगिंग ग्रुप की लीड स्टार भी। ग्रुप का नाम है बी कोमाची। होशिनो को पॉपुलैरिटी उसके डेब्यू के 4 साल बाद ही मिल गई थी और वो अपने फैंस की सबसे ज्यादा फेवरेट है और उन्हीं फैंस में से एक है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट गौरू। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। एक दिन हमारे डॉक्टर साहब होशिनो का एक लाइव स्ट्रीम देख रहे थे जिस चीज को टोकने के लिए एक नर्स आ जाती है और कहती है कि हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है डॉक्टर सर, जिस चीज को वो बोलता है कि ये तुम्हारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर तब तक नर्स बताती है कि आपका एक पेशेंट काफी बीमार सा लग रहा है। पेशेंट को विजिट करने चला जाता है जहाँ जाके उसे पता लगता है कि वो एक लड़की है जिसका नाम सरीना है। उसे बताती है कि जो होशिनो आए है वो उसकी आइडल है, वो आए जैसा बनना चाहती है, अगर कोई दूसरा जन्म भी है तो वो वही फेस के साथ चाहती है जो आएगा है। उसी साइड हमारे डॉक्टर जो कहते हैं कि रिबॉर्न स्टोरी बहुत स्टूपिड है, लड़की को अपनी इसी जिंदगी में आइडल और स्टार बनने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो काफी क्यूट दिखती है गोरू को। के बाद वो लड़की गोरू को शादी करने के लिए पूछती है पर वो मना कर देता है कि वो अंडर एज और वो सिर्फ 16 साल की है, बट वो शादी के बारे में सोच सकता है अगर वो 18 प्लस हो जाए। उसके बाद अगले ही दिन सलीना की डेथ हो जाती है और गोरू उसका रिबॉर्न के लिए प्रे करता है कि वो अगले जन्म एक हेल्दी और सुंदर लड़की बन के पैदा हो। इसी समय बीत जाता है और गोरू को पता लगता है कि उसकी जो आइडल आय है वो काफी ज्यादा बीमार है और अब शो वगैरह से ब्रेक लेने वाली है। इसके बाद नर्स डॉक्टर को बताती है कि आपकी अगली जो पेशेंट है डब्लू आइंग वो आपकी वेट कर रही है और गोरू अपने पेशेंट को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी और कोई नहीं आइडल आई है, प्रेग्नेंट है ट्विंस से। बाद गोरू आई को सपोर्ट करता है और कहता है कि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी होगी पक्का। बाद समय बीतता गया और गोरू ने काफी ज्यादा हेल्प की आय की, वो उसके एक्सरसाइज से लेकर हर चीज में हेल्प करने लगा, डाइट इशू एंड एवरीथिंग। डिलीवरी वाले दिन गोरू 10 घंटे का समय मांगता है कि उसे थोड़ा काम है घर पर करने के लिए, तो कैसे क्या वो जा सकता है, जिस चीज को आय बोलती है कि नहीं वो किसी और डॉक्टर से डिलीवरी नहीं कराने वाली, वो गोरू को ज्यादा प्रेफर करेगी। इस पे गोरू कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डिलीवरी से पहले पक्का आ जाएगा। के बाद बाहर जाते समय उसे एक अननोन आदमी मिलता है जो आय के बारे में पूछता है और उसके ट्विंस के बारे में, जिस चीज को गोरू सुनकर समझ जाता है कि ये बस दुनिया के सामने ये न्यूज लाना चाहता है जिससे आय की पॉपुलैरिटी और लाइफ खराब हो जाए। के बाद गोरू उसका पीछा करता है पर वो बंदा धोखे से उसे खाई में धक्का दे देता है और गोरू अपनी आखिरी सांस पर सलीना की उस बात को याद करता है कि कैसे सलीना एक रिबॉर्न के बारे में बात कर रही थी। और अगले ही सेकेंड जब गोरू आंखें खोलता है वो देखता है वो रिबॉर्न हो चुका है और उसकी माँ और कोई नहीं आए ही है। तुम सोचो तुम किसी को बेहद मोहब्बत करो और बाद में वो आपकी मॉम बन जाए। उफ़। और आए उसका नाम रखती है एक्वामरीन होशिनो, के पिछले जन्म की यादें अभी तक हैं। सिचुएशन समझकर सिचुएशन के साथ चलने का सोचता है और वो अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। और तो अपनी ट्विन सिस्टर से भी मिलता है जिसका नाम होता है रूबी होशिनो। शुरुआत में थोड़ी सी जिद्दी सी दिखाई देती है। आए अपने करियर को वापस फॉलो करने लगती है और अपने कंपनी के प्रेसिडेंट इचिगो को बुलाती है जो अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो उन दोनों ट्विंस का ख्याल रखेंगे। आए को बस ये बात किसी को बतानी नहीं है कि वो दोनों उसके बच्चे हैं क्योंकि उससे उसका करियर खराब हो जाएगा। इसके बाद आको अपनी मॉम को शो करते हुए देख बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने मर्डरर को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू यार तुमने मुझे मार दिया और मैं अपनी आइडल का ही बेटा बन के आ गया। बहुत उसकी बहन उठती है और वो उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम का कॉन्सर्ट चालू हो गया है। बाद एक्वा को पता लगता है कि रूबी भी आय की फैन रह चुकी है पिछले जन्म में और उसकी याददाश्तें भी नहीं मिटी है और वो भी एक रिकार्नेशन है। के बाद दोनों भाई बहनों को सोना चाहिए था पर एक्वा की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि रूबी एक इंसान से ऑनलाइन लड़ रही है क्योंकि उसने आय के बारे में कुछ गलत शलत बोला है और ऑनलाइन वॉर चालू कर चुके हैं इस बंदे के अगेंस्ट। जैसा हम जानते हैं कि एक्वा पिछले लाइफ में एक लड़का था तो वो आय से फिजिकल इंटरेक्शंस काफ़ी कम रखता है, वो आय से बीस्ट फीडिंग नहीं करता है, माने जो नेचुरल तरीका होता है एक छोटे बच्चे का अपनी माँ से पेट भरने का। इसको रूबी बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो कहती है ये तो प्यार दिखाने का एक तरीका है माँ का बच्चों के लिए।
और कुछ समय बाद जो प्रसन्न की बीवी होती है मेको साइतू, जो उन दोनों बच्चों को बेबीसिट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगती है एक दिन, और अपने आप में मंबल करती रहती है कि यार मैं इस चीज़ के लिए उससे इच्छुक से शादी नहीं की थी, मुझे लगा था मुझे हॉट लड़कों के साथ काम करने को मिलेगा और शायद मैं फेमस हो जाऊँगी। बात वो सोचती है कि वो आएकी ये सिंगल मदर होने वाली इंफॉर्मेशन को लीक कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाएगी और उसे पैसा भी मिलेगा। के बाद रूबी डिसाइड करती है कि वो जाके मियोको को मार देंगे, बट एक्वा उस चीज़ के लिए बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ बच्चे हैं, वो हमसे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये करना इम्पॉसिबल है। तो दोनों बच्चे एक स्टूपिड सा आइडिया दिमाग में लाते हैं कि वो उसे बहका के रखेंगे कि वो मैसेज और जो सीक्रेट को छुपा के रखे, और वो उसे बताएंगे कि वो एंजल्स हैं जो हेवन से आए हैं और वो बोल सकते हैं। चीज को देख के मिया को बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब इल्यूजन है, ये ट्विंस बोल थोड़ी सकते होंगे। दोनों बच्चे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सच है, और अगर वो ये सीक्रेट रिलीज करेगी तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी, और अगर वो सीक्रेट बचा के रखेगी तो उसे एक हॉट सा लड़का मिलेगा जिससे उसकी शादी होगी और अच्छा खासा पैसा और नाम और शोहरत। चीज को सुनकर वो डर भी जाती है पर बहुत ज्यादा खुश होती है, और वो डिसाइड करती है कि वो ये सीक्रेट छुपा के रखेगी। जिसके बाद उसी रात को एक्वा जब रूबी को देखता है तो उसे सलीना की याद आती है और वो सोचता है कि रूबी का फेस काफी अच्छा है और वो एक एक्टर बन सकती है। इसी दौरान वो सलीना का नाम ज़ोर से ले देता है जिससे रूबी की नींद खुल जाती है। जहाँ सलीना पूछती है उसने क्या बोला, तब उसने बोला कि वो एक नाम है जिस इंसान को वो पहले जानता था। इस पॉइंट पे हमें पता लगता है कि रूबी ही सलीना है। तो बाद हमें पता लगता है कि आई के आइडल ग्रुप में वापस आ जाने के बाद भी वो अभी भी अनपॉपुलर है, और आई इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि इतने कम पैसे जो आ रहे हैं उसके पास से वो दोनों बच्चों को नहीं पाल सकती। बाद रूबी एक्वा को बोलती है कि यार क्यों आइडल्स को इतना कम पे क्यों किया जाता है, उन्हें ज़्यादा पे करना चाहिए। जिसके बाद एक्वा उस चीज़ को समझाते हुए कहता है कि कैसे आइडल्स के बीच में ग्रुप में पैसे बांटे जाते हैं और कैसे उनके ब्रांडिंग और कॉस्ट्यूम के पैसे काटे जाते हैं और उनके मर्च की वजह से भी उनके पैसे काटे जाते हैं। मियाको भी उन्हें बताती है कि कैसे बहुत ज़्यादा हार्ड है एक सिंगल आइडल और एक ग्रुप आइडल में कॉम्पिटिशन और उनसे ज़्यादा आगे बढ़ना। इसके बाद आए अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक कमेंट पढ़ते हैं कि लोगों को, फैंस को, उसकी जो स्माइल है वो फेक लग रही थी। इसके बाद आए का जो आइडल ग्रुप होता है उसका एक ब्रांड प्रमोशन होता है जिस इवेंट में ट्विंस भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं उधर आने की। बाद दोनों ट्विंस को अपनी माँ को बहुत पास से देखने का मौका मिलता है, पर कॉन्सर्ट के दौरान आय को याद आता है वो कमेंट जिसमें लिखा गया था कि उसकी स्माइल फेक है और वो झूठ से भरी हुई है। पर इसी बीच में उसकी नज़र अपने बच्चों के ऊपर जाती है जो ग्लो स्टिक्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस कर रहे होते हैं, अजीब सा। इसको देख के आय बहुत प्यार से मुस्कुराती है क्योंकि उसके बच्चे उसके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। रातों रात उनकी ट्विंस की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है कि कुछ ही समय के बाद उस पर कुछ 2 मिलियन व्यूज़ भी आ जाते हैं। जिसके बाद आई को समझ आता है कि उसकी रियल स्माइल कैसे आती है। बीतने लगता है और एक साल हो जाता है, बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि अब उन पर कोई शक नहीं करेगा अगर वो बात करेंगे। उसके बाद वो आई को ज्वाइन करते हैं एक ड्रामा में मियाको को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद। इच्छुकू ने जैसा बताया था कि वो अपनी माँ के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, जिस वजह से अब इच्छुकू ही दुनिया के लिए उनका बाप है। सेट पे पहुंचने के बाद दोनों बच्चे को एक फेमस डायरेक्टर मिलता है, ताइशी। सब लोग रूबी की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितनी क्यूट और सुंदर है। वहीं एक्वा थोड़ी हवा लेने बाहर चला जाता है और वो डायरेक्टर से टकरा जाता है, जहां डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि वो इस बात पर रोया तो वो उसे मामा से निकाल देगा। के बाद एक्वा डायरेक्टर से माफी मांगता है, जिस चीज को देख कर ताइशी जो डायरेक्टर होता है काफी शौक हो जाता है कि एक्वा में काफी ज्यादा अच्छे एक्टिंग स्किल्स है, एक बच्चे के मुकाबले काफी ज्यादा मैच्योर है। एक्टर एक्वा को अपना बिजनेस कार्ड ऑफर करता है कि फ्यूचर में अगर उसे एक चाइल्ड एक्टर बनना हो तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वह तो दोनों एक्टिंग इंडस्ट्री और एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, जहां वो नोटिस करता है डायरेक्टर कि आए जो एक एवरेज एक्टर है बट लोगों की अटेंशन बहुत जल्दी गेन कर लेती है। के बाद जब ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, वो एक महीने बाद वो ड्रामा देखते हैं तीनों माँ बेटे बैठकर, और उन्हें पता लगता है कि आए मुश्किल से एक सीन में थी उस ड्रामा के बाद। एक्वा तुरंत ही डायरेक्टर को कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि वो आए को ड्रामा में नहीं दिखा सकते, जो मेन लीड है वो बहुत कम क्यूट है आए से।
और लोगों की अटेंशन सिर्फ आय पे रहेगी, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि वो आय का सीन काट दे। बट डायरेक्टर आय के लिए एक मूवी ऑफर करते हैं, बट एक शर्त पर कि एक्वा भी उस मूवी में एक्ट करेगा। उसके बाद एक्वा सेट पे जाता है और वो डायरेक्टर से बात करता है और वो कहता है कि सर आप मेरी बहन को एक्ट में ले लो, वो बहुत अच्छी एक्टर है। पर डायरेक्टर जो एक जिद्दी था वो कहता है कि नहीं, उसे सिर्फ एक्वा तुम ही चाहिए। तो दोनों भाई बहन को एक्वा की पार्टनर मिलती है काना, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और जजमेंटल होती है, जिस चीज़ को देखकर एक्वा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। शॉट के दौरान एक्वा, जिसका मन नहीं था शूट करने का क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बहन को शॉट मिले, वो एक्टिंग करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता है। बट वो अनविलिंगली बिना मन के चाहे बहुत ज़्यादा अच्छा शॉट देता है और वो काना से भी बेटर शॉट देता है, जिस चीज़ को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मूवी का शूट कम्प्लीट हो जाता है, डायरेक्टर और एक्वा की कुछ छोटी मोटी एक्टिंग के ऊपर बात होती है और देखते देखते समय बीत जाता है। आय का मूवी करियर और गिग बहुत अच्छा चलता है और देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और दोनों बच्चे प्री स्कूल में आ जाते हैं। हाँ, प्री स्कूल में स्कूल वाले डिसाइड करते हैं एक फेस्टिवल के लिए, जहाँ रूबी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि कैसे वो पिछले ज़िंदगी में डांस नहीं कर पाती थी, बीमार रहती थी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, जिस चीज़ पे आय आके रूबी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और उसे बताती है, एक लेसन देती है अबाउट कॉन्फिडेंस और कैसे वो सब कुछ कर सकती है। जिसके बाद एक्वा को पता चलता है कि रूबी एक अच्छी एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छी डांसर भी है। बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है कि कैसे आए टेलीफोन बूथ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड और ट्विंस के जो डैड हैं उसे कॉल करती है और बताती है कि वो आके एटलीस्ट उनसे मिले और वो अपना रियल एड्रेस भी दे देती है। आई की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होती है, पॉपुलैरिटी, जॉब, पैसा, शोहरत, और उसका आता है 20th बर्थडे, जिस दिन की शुरुआत होती है एक डोरबेल से, जहाँ एक बंदा फ्लावर्स लेके खड़ा होता है। आय उसकी तरफ देखती है, उतने में वो बंदा आय को स्टैप कर देता है, जहाँ हमें पता लगता है वो आय का फैन होता है और बहुत डिसअपॉइंटेड होता है कि वो एक माँ है। जिस चीज़ को देखकर आए उस फैन को रिकग्नाइज़ करती है और उसे ये बताती है कि उसने उसका गिफ्ट भी संभाल के रखा था, जिस चीज़ को सुनकर फैन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और अपनी गलती पे पछताता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बाद बहुत ही सैड सीन आता है और एक्वा एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है, तब तक आए उसे रोक लेती है। बट आय को समझ आ जाता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रूबी जो गेट के दूसरी तरफ बैठकर ये सब सुन रही होती है पर देख नहीं सकती क्योंकि आय ने उसे मना किया था। वो एक्वा को सबको सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं कि वो किस तरह अगले मूवीज़ और कॉन्सर्ट्स में नहीं आ पाएगी। वो बताती है कैसे वो चाहती थी कि रूबी उसकी तरह एक आइडल बने और एक दिन वो उसके साथ सेम स्टेज पर कॉन्सर्ट करे, और वो ये भी चाहती थी कि एक्वा एक बहुत अच्छा एक्टर बने क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और उन दोनों को बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। ये बात मरते वक्त वो दोनों अपने बच्चों को आई लव यू बोलती है, जिसके बाद आय मर जाती है। ये चीज़ न्यूज़ में आती है और न्यूज़ में 2-3 दिन तक रहती है, पर 2-3 दिन के बाद लोग इस चीज़ के बारे में बात करना बंद कर देते हैं और समय बीतने लगता है। एक्वा एक दिन बैठ के सोच रहा होता है कि उसकी माँ का एड्रेस इतनी आसानी से लीक नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी माँ ने उसके डैड को ये बताया हो, उसके डैड ने वो एड्रेस लीक किया हो। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को ढूंढेगा और वो उसे मारेगा। इस सीन के बाद एक्वा टाइशा से मिलता हुआ दिखाते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने बच्चे की तरह पाले। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत समय बीत गया है और वो दोनों भाई बहन बहुत बड़े हो गए हैं। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए और दूसरे अच्छे अच्छे एनिमे के हिंदी में एक्सप्रेशन देखने हैं और नए नए थ्योरीज देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और बिना लाइक किए गए तो देख लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, हास्ता ला विस्ता, थैंक यू फॉर वॉचिंग रे नेशन।